तो यार क्या हाल सभी के। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एन अनदर व्लॉग। पिछले 10-12 दिन से मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन जितने वीडियोस आ रहे थे जो कि मैंने जगरवाल हर्षल वाले साथ डाला था, गैजेट्स वाला एक वीडियो डाला था, फिर वो जल्दी उठने वाला वीडियो मैंने डाला था, वो डुमस गया था साइकिल आयुष के साथ वाला वीडियो डाला, फिर आज आज सुबह मेरा नंबर है, आज सुबह मैंने वो वीडियो डाला था सर, जब सुबह 5 बजे हम सब दोस्तों घूमते थे तो मस्ती वगैरह की थी, तो वो वीडियो मैंने डाला था। वो सब अक्टूबर में रिकॉर्ड किया था मैंने, और नवंबर में अभी 12 दिन तक मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब किया है 2-3 क्लिप रिकॉर्ड की थी, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी एग्जाम थी जो कि कल खत्म हो गई है, और अभी मैं फ्री हूँ, ब्लॉगिंग कंटेंट को इम्प्रूव करूंगा अब, और 10 दिन से ब्लॉग किया नहीं मैंने, कोशिश करूंगा कि मैं हर 2-3 दिन पे वीडियो डालता रहूँ, क्योंकि रेगुलर ब्लॉगिंग तो भाई होने से रही हमसे, क्योंकि ऐसा कुछ खास होता नहीं जो रोज़ दिखाएं, लेकिन अगर हुआ तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा। और यार 8 नवंबर को मेरे को मिला था सर्टिफिकेट, तो उसका मैंने डाला था, मतलब रिकॉर्ड किया था, तो वो अभी आप देख लीजिए। अभी 2 पार्सल आया है इनफैक्ट, तो ये दोनों आयुष का पार्सल, मामा अर्थ से उसका शैम्पू वगैरह मंगाया था, तो घूमने गया हुआ, तो वो जब आएगा तब उसको दे देंगे। और ये आया है उदयपुर से संगीतमय चिन्मय अकेडमी से मेरा सर्टिफिकेट, फ्लूट का सर्टिफिकेट है ये, तो अभी इसको कैसे खोले, तो जो मैं फ्लूट अभी सीख रहा हूँ ऑनलाइन सर से, लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, टोटल 7 लेवल है इसमें, तो ये एडवांस लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, मतलब रिसिप्ट, ये रिसिप्ट है और ये मार्कशीट और ये सर्टिफिकेट आया है, ये आप देख सकते हैं, मस्त लग रहा है, ग्रेड B+ आया क्यों, प्रैक्टिस वगैरह कम थी, कोई नहीं, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम से मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ फ्लूट की, मेरी एग्जाम, मतलब एग्जाम अभी 11 नवंबर को है, आपके हिसाब से, मतलब अभी जब ये वीडियो रिलीज होगा मतलब मेरी एग्जाम खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं एग्जाम के बाद ही वीडियो को एडिट करके डालूंगा। इसमें आया है मेरा 76.67% आया है, और कोशिश करूंगा इस थोड़ा इम्प्रूव करने की, अभी इसको ऐसे यहाँ पे फ्रेम करके लगाएंगे, कहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ऐसे फ्रेम करके लगाऊंगा मेरे टेबल के जस्ट ऊपर, इस सर्टिफिकेट को अच्छा लगेगा, ऐसे करके जितने भी आते रहेंगे सब ऐसे करके लगाते रहेंगे, मस्त मजा आएगा, और ये मैं इसका एक फाइल अलग से बना के रख दूंगा, तो बस B+ है, तो अगली बार B फिर ऐसा, मतलब ये तो बहुत मुश्किल है रखना, पर ठीक है प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो ही जाएगा, तो प्रैक्टिस करने की देर है अभी, मेरा बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुआ लेवल 2 में आने के बाद, लेवल 2 को भी हो गया मेरे को 2-2.5 महीने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हुई, क्योंकि एग्जाम का चक्कर बहुत चल रहा था मेरा, बस 11 नवंबर एग्जाम खत्म होती है, और आज 8 नवंबर है, हाँ आज 8 नवंबर है, 3 दिन बचे मेरे एग्जाम को, बस एग्जाम ओवर ये वीडियो रिलीज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा जो भी बात अभी मैंने बोली, बस अभी अच्छा लग रहा है, काफी टाइम से वेट कर रहा था मैं सर्टिफिकेट का, चलो आ गया। अरे फिर अगले दिन 9 नवंबर ऋषि का बर्थडे, तो उसको मैंने विश किया दोपहर में 12 बजे, वो भी आप देख लीजिए, हैप्पी बर्थडे ऋषि, ओए इसको व्लॉग बनाना, उठ ही नहीं सकता था 12 बजे, हैप्पी बर्थडे बेटा, उठा ही नहीं 12 बजे, दोपहर के 12 हो गए, अभी विश कर रहा हूँ इसको फर्स्ट टाइम आपके सामने, हैप्पी बर्थडे। और फिर शाम में केक भी काटा था, तो वो भी आप देख लीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर्टिफिकेट आया मेरे पास, काफी टाइम से वेट भी कर रहा था, और काफी अच्छा लगा सर्टिफिकेट देख के, और एक मोटिवेशन और जगी कि नहीं भाई अभी और प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अभी 2-3 हफ्तों से मैं इनफैक्ट उससे ज्यादा ही मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा एग्जाम था 11th को, जैसे कि आपने आपको मैंने अभी बताया, तो इस चक्कर में, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था मैं 15-20 मिनट, और पहले मैं करता था 2-3 घंटा 4 घंटा इनफैक्ट करता था, ये बीच में एक टाइम आया था लॉकडाउन के टाइम पे कि मैं मतलब पूरा दिन बासुरी बजाता 6-7 घंटा एकदम, तो बस अभी ऐसा हैबिट डालनी है अपने को फिर से, तो रेगुलर सुबह जल्दी उठेंगे 4:30 बजे, मस्त फ्लूट प्ले करेंगे 1 घंटा, थोड़ी देर साइकिल चला के आएंगे, फिर थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग करेंगे, एडिटिंग सीखेंगे, स्किल्स इंप्रूव करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
लर्निंग करेंगे, ये सब करेंगे। और दिवाली से पहले यानी कि मतलब 1 नवंबर से भी शायद 2-3 दिन पहले 30 अक्टूबर के आसपास मेरा वजन था 72 के आसपास था मेरा वेट, जो कि अब 12 नवंबर को आज सुबह मैंने चेक किया मेरा वेट 78 प्लस था, मतलब 79 था, 78 पॉइंट समथिंग था। तो भाई साहब मेरा वजन 7 किलो बढ़ गया, 7-8 किलो जितना बढ़ गया है। इनफैक्ट मेरा वजन तो बहुत ज़्यादा था, मैंने 90 kg था वेट लॉकडाउन के टाइम पे, और अभी ठीक है 78 हुआ है, मेरा फिर से कम हो जाएगा, वो तो टेंशन की बात नहीं है। अभी तो इतना नॉलेज आ गया कि किस तरीके से वजन कम करना है पता है अपने को। तो यार कल से मैं शुरू कर दूंगा मेरी फैट लॉस जर्नी और वेट अपडेट्स आपको देता रहूंगा व्लॉग के थ्रू, मैं आपको बताता रहूंगा क्या वेट मेरा करंटली रहा है। इनफैक्ट मतलब आज सुबह 12 नंबर को मेरा वेट तो 78.34 के आसपास था, तो इसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वेट चेक करूंगा तो आपको दिखाऊंगा, मैं जर्नी शेयर करूंगा आपके साथ क्या था मतलब फैट लॉस मेरा। तो बस फैट लॉस प्रोग्राम मेरा शुरू कल से, कल सैटरडे है 13 नवंबर, तो कल से शुरू करेंगे और ये वीडियो शायद मैं 14 नवंबर को डालूंगा। कल सुबह से साइकिलिंग फिर से शुरू कर देंगे, जो साइकिलिंग मैंने की थी उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक साइकिलिंग किया। वो जो क्लिप मैंने डाली थी ना जल्दी उठने वाले, जो मैंने बताया था वो 18 अक्टूबर का था, जो कि मैंने अब डाला है 10 नवंबर को, कितने दिन बाद डाला मैंने, ऑलमोस्ट 22-23 से ज़्यादा ही दिन हो गए हैं, तो इतने दिनों बाद मैंने वो वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद मैं नवंबर तक कंटिन्यू साइकिलिंग कर ही रहा था, लेकिन फिर थोड़ा दिवाली आ गई, एग्जाम आने वाली थी, तो मैंने सोचा छोड़ भाई अभी जाने दे, साइकिलिंग करेंगे थकान होगी, फोकट में प्रेशर नहीं लेना, तो सब एकदम सब कुछ छोड़ दिया। एग्जाम खाली मतलब पढ़ भी कम रहा था, मतलब प्रेशर कम ले रहा था मैं, तो अब देखो क्या होता है। बट बस अभी कल सुबह से साइकिलिंग शुरू करेंगे फिर से, और अभी डुमस ही जाएंगे क्योंकि रेगुलर मैं डुमस ही जा रहा था नवंबर तक, तो मतलब दिवाली से पहले इनफैक्ट 1-2 नवंबर तक रेगुलर मैं डुमस ही जा रहा था, 25 किलोमीटर्स रोज साइकिलिंग कर रहा था मैं, कंटिन्यू 2 वीक्स तक किया ही था मैंने। और मैं मेरे वीडियोस को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करूँगा, मैं एकदम रॉ रहने दूंगा ताकि मेरे को पता चले कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे अभी तक तो व्यूज़ कम ही आ रहे हैं, 50 के आसपास आ रहे हैं जब शेयर करता हूँ तो, और आज मैंने शेयर नहीं किया था मेरा जो 12 नंबर को मैंने वीडियो डाला है वो, तो उसमें अभी फिलहाल 25-30 व्यूज़ हैं बिना शेयर करे, तो मैं अभी एक भी वीडियो को शेयर नहीं करना वाला, बस रिकॉर्ड किया, एडिट किया, डाल दिया, को ढिंडोरा नहीं बैठूंगा कि ब्लॉग देखो, इंस्टाग्राम पर डालूंगा, स्नैपचैट पर कहीं नहीं डालूंगा मैं, बस एडिट अपलोड एंड बस इतना ही काम रहेगा, शूट एडिट अपलोड, शूट एडिट अपलोड यही काम रहेगा, किसी को बताना ही नहीं कि अपलोड करते हैं अपन, जिस तो जिस तक पहुंचना होगा वो अपने आप पहुंच जाएगा मेरा वीडियो। तो बस यार इस वीडियो में खाली बस ऐसी बातचीत की थी हम लोगों ने थोड़ी, और बस ऋषि का बर्थडे था वो सेलिब्रेट करके मतलब दिखाया आपको मैंने थोड़ा बहुत, कुछ मेजर था नहीं। ओके तो बस यार इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।